गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास चैप्टर 8 द क्यूरियस बेबी एलिफेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, कम टू द पेज नंबर 17। सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड द बेबी एलिफेंट put his head close down to the crocodile's musky tusky mouth. The crocodile caught him by his little nose. As you can see in this picture, crocodile caught elephant's nose. Now come to the next page. I think, said the crocodile between his teeth, I think today I will begin with you, elephant's baby. कि कहा क्रोकोडाइल ने कि आज मैं तुमसे स्टार्ट करती हूँ। द बेबी एलिफेंट न्यू ही वॉज इन बिग ट्रबल। ही सेट बैक ऑन हिज हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। फ्रेंड्स, हॉन्चेस मीन्स उसने अपनी लेग्स को बैक लिया और बैक साइड लिया, पीछे हटा, वो पुल किया, उसने खींचा अपनी अपने आप को। The crocodile splashed in the water and pulled both of them, pulled and pulled. उसने फिर क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसने भी अपने आप को पुल किया वाटर की तरफ। एंड द एलिफेंट्स नोज kept स्ट्रेचिंग। द क्रोकोडाइल splashed इन द वाटर एंड pulled both of them, pulled and pulled। दोनों एक दूसरे को खींचते रहे ऑपोजिट साइड्स पे। And the baby elephant's nose kept stretching and stretching. At last, when the crocodile couldn't pull anymore, he let it go. जब उसका क्या हुआ, एलिफेंट जब नहीं खींच पाया तो उसने उस वहीं पे, when the crocodile couldn't pull anymore, जब क्रोकोडाइल और नहीं खींच पाई एलिफेंट को, तो उसने क्या किया, he let it go, उसने उसको जाने दिया। Third, fell the elephant's baby big with a big thud right on his big broad back. Thud क्या हुआ बेटा, जो elephant baby elephant है वो गिर गया। कैसे गिरा, जैसे आप stretch करते हो किस चीज़ को, है ना, जैसे आप मान लो आप क्या करते हो, आप रस्सी pull करते हो, आप जैसे खींचते हो game खेलते हो, या आप जैसे rubber band को pull करते हो, है ना, तो मान लो आप किस चीज़ को आप pull कर रहे हो और दूसरी तरफ से कोई और pull कर रहा है, अगर वो छोड़ दे तो आप कैसे गिरते हो, लाइक दिस जो बेबी एलिफेंट है वो भी वैसे गिरा अपनी पीठ के बल। ही लुक्ड एट हिज नोज, ही कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड, इट वॉज लॉन्ग, सो लॉन्ग, ही कुड स्विश इट अराउंड बट इट हर्ट हिम ऑफली। जो एलिफेंट की नोज है वो बहुत लंबी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट अगर वो अपनी नोज को स्विश करने की कोशिश करता, हिलाने की कोशिश करता, तो क्या होता है, वो उसे उसको हर्ट करती। सो ही रैप्ड हिज नोज़, उसने क्या किया, अपने नोज़ को रैप कर लिया हिज नोज़ इन कूल बनाना लीव्स एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक। उसने अपने नोज़ को बनाना लीव्स में रैप कर लिया और वेट किया उसके श्रिंक होने का, वो दोबारा से उसको छोटे होने का। ही वेटेड एंड वेटेड बट नथिंग हैपन्ड, ही कुड स्टिल स्विश इट ऑल अराउंड। वो क्या हुआ, उसकी जो नोज़ है वो छोटी नहीं हुई, अब वो क्या कर सकता था, इसको भी स्विश कर सकता था। एट द एंड स्विश मीन्स मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड। जैसे आप सरसर की आवाज़ करता है जो एलिफेंट होता है अपनी ट्रंक को हिला के, है ना। एट द एंड ऑफ द थर्ड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग हिम ऑन हिज शोल्डर। When before he knew what he does was doing, he lifted up his trunk and hit that fly dead with the end of it. क्या हुआ, उसकी जो बैक पे, एलिफेंट की बैक पे जो है फ्लाई बैठ गई, मक्खी बैठ गई, उसने क्या किया, उसको डंक किया शोल्डर पे। क्या किया उस एलिफेंट ने, पहले तो उसकी ट्रंक बहुत छोटी थी, वो नहीं कर सकता था अपनी ट्रंक को लिफ्ट इतना,
इस बार क्या, उसने लिफ्ट किया और उसके उससे उसने उसके एंड से उस फ्लाई को डेड कर दिया, मार दिया ना। ही सेड टू हिमसेल्फ, इट सीम्स टू बी अ यूजफुल थिंग। ही फेल्ट बेटर नाउ एंड हंग्री टू। ही पुट आउट हिज लॉन्ग नोज एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, डस्टेड इट क्लीन अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ इट इन टू हिज माउथ। ही फाउंड दैट इट ही कुड ईजिली प्लग द फ्रूट ऑफ द ट्री इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू फॉल। तो प्लग मीन्स तोड़ना है ना, से आप फ्लावर तोड़ते हो। ही वॉज हैप्पी दैट ही न्यू नोज हिज न्यू नोज वॉज टर्निंग आउट टू बी यूजफुल। अभी क्या हुआ था, उसकी जो न्यू नोज थी लंबी सी, अभी क्या उसको क्या लग रही थी, वो यूज़फुल लग रही थी। वो बहुत सी चीज़ें वो ईजिली कर पा रहा था ना, फ्रूट्स तोड़ पा रहा था, और वो जो है घास है उसको, उसका बंडल उसने आराम से तोड़ लिया ना। ही वेंट बैक टू हिज फैमिली एंड हैड फन थ्रोइंग वाटर एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद हिज न्यू ट्रंक। व्हेन द अदर एलिफेंट्स कुड बियर इट नो लॉन्गर, दे ऑल वेंट टू द क्रोकोडाइल टू गेट अ न्यू नोज जस्ट लाइक हिज। सो थैंक्स। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, जो एलिफेंट था उसने क्या किया, अपनी अपने ब्रदर और सिस्टर्स के साथ अपनी ट्रंक से खेलना शुरू कर दिया। वाटर थ्रो करता था उनके ऊपर वो, पर उसके ब्रदर और सिस्टर, उनकी ट्रंक तो छोटी थी तो वो नहीं कर पाते थे ना, तो जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर वो और ज़्यादा उसको बियर नहीं कर पाए, नहीं सह पाए, तो उन्होंने क्या किया, वो भी क्रोकोडाइल के पास गए और उन्होंने भी अपनी जो ट्रंक है नोज उससे स्ट्रेच करवा लिया ना। सो थैंक्स टू वेरी क्यूरियस एलिफेंट्स बेबी, ऑल द एलिफेंट्स टुडे हैव लॉन्ग ट्रंक्स। अब क्या है, सभी एलिफेंट्स की क्या है, लंबी सी ट्रंक है ना। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। थैंक यू।